यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में हमने पढ़ा कि ये नैरेशन का पार्ट है, और नैरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो आपका टॉपिक है ये वाला। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? से और सैड को कहते हैं। इसके बाद रूल्स टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यहाँ पे कॉमन रूल्स है। उसके बाद तीन कॉमन रूल्स मैंने आपको बताए थे, सन बट 123 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि ये प्रोनाउन है, इनको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दूसरा रूल, टेंस किस तरीके से चेंज होते हैं। ये इस तरीके से आपके टेंस होते हैं, नियर की चीज़ों को दूर की चीज़ों में बदलते हैं, ये टेबल मैंने आपको बताई थी। चलिए अब आगे, यहाँ पर हमारा इससे आगे है, चार तरह के सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। नंबर वन असर्टिव, नंबर टू इंटरोगेटिव, नंबर तीन इंपेरेटिव, नंबर चार एक्सलामेटरी। तो चार तरह के सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम डायरेक्ट के रूल्स है इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ से और सैड को कहते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस का मतलब शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब शैल विल से हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो उसका टेंस नहीं बदलना, आपको टेंस आपको वही रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान देना, प्रेजेंट और फ्यूचर तो यहाँ निकल गया से और शैल विल से, लेकिन यदि पास्ट टेंस में हो यानी सैड में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। और कॉमन रूल नंबर टू आप चेक करिए किसके अनुसार बदलता है, कॉमन रूल नंबर टू के अनुसार इस तरीके से आपका जो टेंस बदल जाएगा। ये डायरेक्ट में है इस तरफ, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट में यदि प्रेजेंट डेफिनेट है तो पास्ट डेफिनेट बदल जाएगा, डायरेक्ट में यदि कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये रूल इसमें लागू होगा टेंस का। तो इसमें आपने देखा कि भाई हमारा जो है टेंस बदल जाता है। इसके अलावा रूल हमारा नेक्स्ट है सैड। जैसे हमने आपको बताया कि सैड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सैड को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सैड का सैड ही रहेगा, लेकिन सैड टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद कंजक्शन, हमारा जो जोड़ने वाला शब्द लगेगा वो लगेगा दैट, तो दैट हमें इसमें यूज करना है। उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमाज, ये दोनों जो चिन्ह है, मार्क्स है, इन दोनों को हटा देंगे, इनको हटा दिया जाता है, इसको आप याद रखेंगे असर्टिव सेंटेंस में। अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट डायरेक्ट है, राम सैड कॉमन वर्ड कॉमाज बिगिन, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो राम ने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो राम अपने बारे में कह रहा है, तो हम उसी के इस कथन को यदि हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया जैसा राम ने बोला था, तो ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन अब हम इसको अपने शब्दों में बदल कर लिखेंगे, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो अब हम उसको उसके गए कहे गए कथन को अब हम अपने शब्दों में बदल कर लिख रहे हैं। तो राम सैड, राम तो राम ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। और यहाँ पर कॉमन वर्डेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन हमने यूज कर दिया दैट, तो दैट उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन आ गया। मैंने आपको बोला था टेबल पीछे दी हुई है, पर जो प्रोनाउन है हमारे बदल जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है राम, तो राम हमारे लिए क्या हो गया, राम हमारे लिए हो गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए हम लगाएंगे ही, तो ये प्रोनाउन ही लगाना है, प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन ही लगेगा, लेकिन लगेगा राम के अनुसार। तो ही यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हमने आपको बताया था कि सैड यदि पास्ट टेंस आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट डेफिनेट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगा देंगे अब हम, वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ए का ए रहेगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज इनको हटा देंगे जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको हटाने के बाद फुल स्टॉप आपको लगाना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर नॉट ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के नहीं हो। तो अब उसके इस कथन को हमने ऐसा का ऐसा इस कॉपी में लिख दिया है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट बन गया, अब ये इनडायरेक्ट है जैसा कि हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो ही का ही रहा, सैड टू को मैंने आपको बोला था सैड टू आ जाए तो वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मी का मी रहेगा, उसके बाद कॉमन वर्ड कॉमा हटाने के लिए मैंने बोला कंजक्शन दैट लगाना है। यहाँ पर आ गया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हमारा सेकंड पर्सन है यू, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, सैड का ऑब्जेक्ट है मी, मी है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का टेबल आप याद करेंगे तो आई माई मी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आई माई मी, तो यहाँ पर यू योवर यू, तो ये जो हमारा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, तो ये यू हमारा सब्जेक्ट है, तो ये इसका मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई,
तो आई का ही तो पार्ट है ना ये मी, आई माई मी, तो यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में ही बदलेगा। तो यहाँ पर आई ये प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट में बदल गया, नोट का नोट हो गया, ए का ए हो गया, गुड का गुड, गर्ल बॉय का बॉय, फुल स्टॉप। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, योर मदर डज नॉट टेल ए लाई, तुम्हारी मदर झूठ नहीं बोलती है। अब यहाँ पर इसको हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया तो ये डायरेक्ट हो गया। अब हम इनडायरेक्ट में देखेंगे। माय मदर सेड टू को मैंने बोला था टोल्ड में बदलना है और मी का मी रहेगा, क्योंकि मी नहीं बदलना, टू तक बदलना है बस, सेड टू। कॉमन वर्टिकल कॉमा हटाने के लिए हमने दैट लगाया। माय मदर का यहाँ पे लिखा हुआ है यू, ये यू नहीं है एक्चुअल में, ये योवर है, योवर मदर, योवर मदर, तुम्हारी माता जी डज नॉट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलती है। अब यू, योवर, यू, ये यू का पार्ट है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, बदलता है ऑब्जेक्ट अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है मी, तो ध्यान देना। तो यू, योवर, यू, यू का सेकंड पार्ट है योवर और आई का सेकंड पार्ट है माई, तो हमें उसी पार्ट में इसको बदलना है। एक बार टेबल की तरफ चलते हैं दोबारा से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। योवर मदर, ये रहा आपका सेकंड पर्सन, टू के नीचे लिखा हुआ है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि फॉर्मूले में है। ऑब्जेक्ट था हमारा मी, तो मी हमारा कहाँ पे है, ये रहा मी हमारा किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन ये रहा लिखा, फर्स्ट पर्सन, सन के नीचे वन लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई, माई, मी, माई सेल्फ, और हम बदल किसको रहे, योवर को, तो योवर हमारा यू का दूसरा नाम है, तो माई का, मी का जो है दूसरा नाम क्या हो जाएगा, माई, तो दूसरा दूसरे में ही बदलेगा, पहला पहले में ही बदलेगा।